जय हिंद। देखिए, यूपी पुलिस में तीन चार तरह के अपडेट आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस री एग्जाम 60244, इसके साथ साथ रेडियो ऑपरेटर की भी जो है रिजल्ट आने वाली है। इसके साथ साथ जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, प्रोग्रामर, ये सारा वैकेंसी पेंडिंग में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, ड्राइवर की भर्ती जो है आने वाली थी। बहुत लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में जानते भी होंगे, जैसे कि एसएसएफ और जेल वार्डन की वैकेंसी के बारे में भी चर्चा किया गया था, पीएससी की वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया था, उसी के साथ साथ ड्राइवर की भी वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया था कि भैया अब जो है यूपी पुलिस में फ्रेश ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या अपडेट है सबका, इसको समझिए। अभी ड्राइवर की वैकेंसी से रिलेटेड जो है काफी सारी अपडेट्स निकल के आ रही है। कुछ दिन पहले पेपर में भी दिया था कि वैकेंसी जो है अब जैसे एज इट इज पहले होती थी, मतलब कि पीएससी से लोग आते थे, एपी से, आर्मर्ड फोर्स से आते थे, सिविल पुलिस से जो है सिपाही पद पे जो रिक्रूट होते थे उन्हीं को जो है ड्राइवर ट्रेनिंग देकर ड्राइवर बनाया जाता था, एज इट इज वही चीज देखने को मिलेगा। मतलब कि 7 से 8 हजार के आसपास सीटों पे चर्चा की गई थी कि ड्राइवर का सीट वेकेंट है और ये जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बातें फिर से चर्चा में आई है तो फिर से एक क्वेश्चन अटक जाता है कि वाकई में फ्यूचर में जो है ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, या जो पहले एज इट इज होता था, जो सिपाही पद से जो है लड़के ट्रेनिंग करके आते थे, वो देखने को मिलेगी। तो देखिए पूरा पूरा साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है इस पेपर कट के माध्यम से कि वैकेंसी ड्राइवर की नहीं आने वाली है। अब क्या होता है ये तो आगे कंफर्मेशन मिलता है भर्ती बोर्ड के द्वारा तभी पता चलेगा, लेकिन साफ साफ शब्दों में लिखा जा रहा है कि अभी जो है ड्राइवर की बहुत कमी चल रही है, कोई भी ड्राइवर की ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। यदि आप ड्राइवर बनते हो तो आपकी प्रमोशन मतलब बहुत लेट से होती है, मतलब समझ लो कि ना के बराबर आपकी प्रमोशन होती है, और उसके बाद से आप हवलदार बन जाओ, स्टार लगा लो, आपको जो है गाड़ी ही चलाना होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो है खामियां है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है इसमें, ठीक। तो सबसे बड़ी खामियां यही है कि आपका प्रमोशन जो है काफी स्लो होता है, ठीक, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है। तो इसीलिए जो है कोई ड्राइवर की ट्रेनिंग नहीं लेना चाह रहा आज की डेट में। तो इसीलिए बात की गई थी कि भैया इतना सीट खाली है तो फ्रेश वैकेंसी लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पेपर में निकला हुआ है तो वाकई में सोचने वाली बात है। तो ये वैकेंसी भी लगभग लग रहा, मतलब कि 50-50 में रख सकते हैं कि ये शायद नहीं आए, लेकिन देखिए फ्यूचर में आगे क्या होता है। अब रही बात री एग्जाम को लेकर, तो भैया 6 महीना होने को है और अभी तक कुछ कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा कि इसका एग्जाम के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। हो सकता है कि इलेक्शन में सभी लोग बिजी हों, लेकिन भर्ती बोर्ड तो बिजी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जुलाई के आसपास लीक्स कुछ आ रहे हैं कि जुलाई के आसपास, 11 जुलाई, 15 जुलाई के आसपास जो है आपकी एग्जाम की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो देखिए क्या होता है, कोई कंफर्मेशन अभी इसका नहीं है, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट जो है आपको पेपर के माध्यम से मिल ही जाती होगी। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, अभी तो इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जुड़े होंगे तो एक एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, मतलब समझ लो कि हर तरह के बंदे इसमें इंक्लूड है इस पेपर को आउट करवाने में, जो 60244 है। अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके बाद से प्रोग्रामर है, फिर एएसआई एसआई की वैकेंसी है, इसका भी एग्जाम जो है आपको जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगा। उसके पहले तो संभावना कम ही बन रही है, जून के लास्ट में या जुलाई में आपको जो है ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप उस हिसाब से जो है अपनी तैयारी को स्पीड में रखिए, ब्रेक नहीं करना है, तैयारी को करते रहना है। देखिए होगा क्या ना कि अगर आप ब्रेक कर देते हो, आप ये सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो भैया मुश्किल दौर आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद 20 दिन के अंदर में आपकी एग्जाम कराई जाएगी। और कोई भी ऐसा वैकेंसी का सिलेबस नहीं है जो आप 20 दिन में कंप्लीट कर पाओ, तो आप तैयारी में जारी रहिए, लगे रहिए। और नई वैकेंसी के बारे में बात करें, जैसे कि दरोगा की हो गई, और ये भी तो एक नई वैकेंसी में ही था ड्राइवर की, इसके साथ साथ जो है एसएसएफ हो गया, पीएससी हो गया, ये सारी वैकेंसी जो है अगस्त के आसपास ही जो है संभावना बन रही है, मतलब कि जुलाई से अगस्त के आसपास ही जो है ये नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, बस थोड़ी सी पेशेंस रखना होगा। और वैकेंसी कैसे मतलब क्लियर होगा, मतलब किस तरह से कितना ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, ये जब ये एग्जाम हो जाएगा 60244
खुद पता चलेगा। और ऐसे भी इलेक्शन के बाद जो है एक नया कमेटी बना के एक नया नियम पास होने वाला है जिसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो ये पेपर आउट करवाते हैं, जो धांधली करवाते हैं। तो हो सकता है शायद इस वजह से भी रुका हो सरकार बनने के बाद से, जो है फटाफट ये बिल पेश करके पास करके और फिर से जो है इसका एग्जाम करवाया जाए। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन जुलाई तक ही इसकी संभावना बन रही है और नई वैकेंसी अगस्त तक आने की संभावना बन रही है।